ओम शांति। हम सभी के लिए आज सर्वश्रेष्ठ दिवस है, क्योंकि आज स्वयं भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं। जरा अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराएं। संसार में कोई मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता कि कुछ महान आत्माएं ऐसी भी धरा पर होंगी जिनका श्रृंगार करने के लिए, जिन्हें शक्तियां और वरदान देने के लिए स्वयं भगवान आते होंगे। लोग देवी देवताओं को याद करते हैं, आजकल तो बहुत पीछे वालों को याद करते हैं, जिनसे कुछ भी नहीं मिलता, अल्पकाल की थोड़ी बहुत प्राप्ति होती है। हमारा परमपिता जो हमारा है, जिस पर हमारा संपूर्ण अधिकार है, जो हमें बहुत कुछ बना देना चाहता है, जो हमें संसार में चमका देना चाहता है, वो आज पुनः आ रहे हैं। जरा विजन बनाएं, ऊपर से महाज्योति ज्ञान सूर्य नीचे उतर रहे हैं, अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए। सीन देखें, उसकी अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं, वो नीचे आ रहे हैं, उसका दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है, उससे ये संसार आलोकित हो रहा है, वो नीचे आ रहे हैं, हमारे सामने आ गए। उनकी वो श्रेष्ठ किरणें, पवित्रता की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। आज का सारा दिन का यही सुंदर अभ्यास होगा, और चिंतन करते रहें कौन किससे मिलने आ रहा है। वो जो सर्वशक्तिवान है, वो जो कल्प वृक्ष का बीज रूप है, वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है, जो सभी के दुख हरने वाला है, जो प्यार का सागर है, अपनी महान आत्माओं से मिलने आ रहा है, उनसे जो द्वापर युग से इस संसार में भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते आए हैं, उनसे जिन्होंने सतयुग और त्रेता युग में संपूर्ण विश्व को संभाला था, उनसे जिनके द्वारा वो अब इस कलयुगी दुखों के पहाड़ को नष्ट कराकर सतयुगी सुंदर बगीचा बना देना चाहता है, ऐसी महान आत्माओं से मिलने के लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं। क्या करेंगे हम? आज सारा दिन इस मिलन की मस्ती में बिता दें, आज का दिन प्रभु मिलन के लिए समर्पित कर दें। दिन बीतते जाते हैं, दिन बीतते बीतते युग बीत गए, और वो युग आ गया जब हमारा मिलन भगवान से हो गया, जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है, जिसको देखने के लिए ऋषि मुनियों की नैन तरस रहे हैं, जिसके क्षणिक दर्शन पाने के लिए अनेक लोग अभी भी हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ त्याग दिया है, हे प्रभु एक बार तुम्हें देख लूं, और उनको वो नहीं दिखता, न उन्हें उसके द्वारा मिला हुआ सत्य ज्ञान मिलता है। कितना बड़ा भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भविष्य के भाग्य की तो छोड़ें, वर्तमान भाग्य हमारा अवर्णनीय है, अविस्मरणीय है। इसे याद करें, स्वयं गीता ज्ञान दाता हमें सत्य ज्ञान देता है। लोग तो कहते थे अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया था, अब स्वयं भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसका आनंद कितना जबरदस्त है। तो आज सारा दिन इन्हीं खुशियों में, इसी आनंद में बिता देंगे, और अपने को बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प करें।
अभी से कर लें, बिल्कुल जैसा तेजस्वी स्वरूप बाबा का है, ब्रह्मा बाबा का स्वरूप सामने लाएं, वैसा ही तेजस्वी स्वरूप मुझे भी अपना बनाना है। जैसी संपूर्ण पवित्रता उनके पास है, मुझे भी वैसी संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है। जैसे वो निरंतर योग युक्त रहे, बंधन मुक्त रहे, चारों ओर से डिटैच्ड और उपराम रहे, ईश्वरीय नशे में रहे, एक बल एक भरोसे जीते रहे, वैसे ही हमें भी करना है। तो आज सारा दिन इसी सुंदर चिंतन में हम व्यतीत। ओम शांति।